सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देते हैं। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। आज का पंचांग 18 जुलाई 2022 दिन सोमवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह 8:55 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र दोपहर 12:24 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:34 से 9:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 6:34 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 18 जुलाई 2022 दिन सोमवार, आप अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में हैं, लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें। आपके पास अच्छी संचार कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। तनाव घटाने के लिए किसी साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन शारीरिक आनंद के चक्कर में ना पड़े। अपने कामों को योजना बनाकर करें। जिस समाचार को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे, आज उसमें सफल होंगे। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करने से आपको कोई रास्ता सूझ सकता है। काम से संबंधित जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले अपनी क्षमता का अवलोकन करना आवश्यक होगा। सरकारी कामों में प्रगति नजर आएगी। प्रॉपर्टी संबंधित काम मन के अनुसार नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों में लाभ हो सकता है। नौकरी करने वालों को काम की जगह के लोगों के साथ संबंध सुधारने की आवश्यकता होगी। परिवार से किया गया रिलेशनशिप संबंधित विरोध अचानक से दूर होगा। पल्स की तकलीफ भी हो सकती है। सावधानियां। विद्यार्थी हास परिहास व मनोरंजन आदि के व्यर्थ काम में पढ़कर अपने पढ़ाई के साथ समझौता ना करें। पैसों के मामलों में किसी पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा। राजकीय मामलों में काम बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी बच्चे की किलकारी संबंधित शुभ सूचना मिलने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। अच्छा, आपके लिए प्यार और रोमांस जोखिम भरे साबित हो सकती हैं। आप आज ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे जो धूर्त नहीं है और केवल गंभीर और सच्चे रिश्ते में यकीन रखता है, लेकिन आपको इस आदमी के साथ रोमांटिक तरीके से नहीं जुड़ना है। पहले इस आदमी से दोस्ती करके उन्हें यह जताने की कोशिश करें कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। उनको अच्छे से जान लें और उन्हें भी जानने का मौका दें। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपका भाग्य सट्टा व्यापार एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो आज के दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप उचित निर्णय ले पाएंगे। ये निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज का दिन भूमि निवेश के लिए भी फायदेमंद रहेगा। कार्य क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ाने के साथ उसके गुणवत्ता पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपका मार्केटिंग व संपर्कों का दायरा पहले से और अधिक विस्तृत होने वाला है। आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है, जो कि फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं सेहत की। सिर दर्द व अपचय जैसी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। योग और व्यायाम पर पूरा ध्यान रखें। आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही शुरुआत करेंगे आपका मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा। फिर भी सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को प्रभावित ना होने दें। आपको आने वाले दिनों में काफी तनाव का सामना भी करना है, इसलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें और खुश रहें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें, शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।